आलिया ने लिपट लिया जिया शंकर को। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिया ने भी हामी भरी थी कि आलिया जो है अपनी चीजों को बदलने में कामयाब हुई है, और वहीं पर अविनाश का भी यही कहना है, वो उनकी बातों से सहमत हुए। अभिषेक का भी यही कहना है, वो भी उनकी बातों से सहमत हुए। तो तीनों की वोट पा के आलिया बाहर तो आ गई है। आने के बाद जो है जिया को वो गले लगी और काफी अच्छा बोला कि मुझे किसी बात से बुरा नहीं लगा, जिसका जो ओपिनियन था उसने वो ओपिनियन रखा है, चाहे मैं सही हूं चाहे मैं गलत हूं, वो सब चीजें सामने रखी। और ये चीज मैं भी चाहती हूँ कि जैसा भी होता है वो सब चीजें सामने आए। और अविनाश ने सब लोगों को गले मिली, जिया को बहुत अच्छे से गले मिली, जहां पर जिया ने बहुत ही अच्छे से जो है आलिया से गले मिलके जो है बोला कि अभी आप और भी ज्यादा प्रूफ कीजिए कि आप है क्या, और आप जो करने आई है वो चीज कीजिए। जहां पर आलिया बोलती है हाँ ये चीज मैं समझूंगी और वो चीज मैं डेफिनेटली करूंगी। अभी देखेंगे कि आखिरकार आलिया जो है कि वो क्या करती है। उनका अभी तक गुस्सा नहीं देखा है, वो बहुत सिंपल जैसे मम्मी लोग नहीं होते, बहुत इनोसेंट मम्मी लोग होते हैं। हालांकि मेरी मम्मी इतनी ज्यादा इनोसेंट नहीं है, वो सबकी बैन में जा देती है अगर वहां पर होती तो। यहां पर जो है आलिया बहुत इनोसेंट मम्मी लगती है, जो कि किसी से पंगा नहीं लेना चाहती, थोड़ी डर जाती है। बट अगर ये बोलती कि ये डरती नहीं है तो भाई फिर इनको बैंड बजानी आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि मजेदार क्या है। थोड़ा इमेज कॉन्शियस थोड़ी ज्यादा हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। आपके क्या विचार है बताइए जरूर। आलिया के बाहर आने पे क्या आप लोग खुश हैं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।